हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारी घोड़ी कोयल जो कि अगले मंथ के एंड में बच्चा डिलीवर करने वाली है। वैसे तो हम इसको डेली राइडिंग नहीं करते, बस डेली इसको वॉकिंग के लिए ले जाते हैं। और हमारे यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है सुबह और शाम का। संडे के दिन हम सभी फ्री थे तो हम सभी ने सोचा क्यों ना इस पर राइडिंग की जाए। तो हम सभी भाइयों ने बारी बारी से इस पर राइडिंग की और राइडिंग के समय हमने इसको ज़्यादातर तो नॉर्मल वॉक ही करवाई और दो चार राउंड इसके चाल में लिए। कई भाई कह देते हैं कि जब डिलीवरी टाइम क्लोज हो तो घोड़ी को चलाना नहीं चाहिए, इस पर राइडिंग नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप घोड़ी को प्रैक्टिस करवाते हैं या राउंड पेन में खुला छोड़ देते हैं, राइडिंग करते हैं या वॉकिंग के लिए ले जाते हैं, तो वो घोड़ी के लिए बहुत यूज़फुल है और हेल्पफुल भी है। क्योंकि आप घोड़ी को राइडिंग के लिए लेके जाएंगे तो घोड़ी भी फिट रहेगी, उसकी एक्सरसाइज होगी और अंदर बच्चा भी फिट और हेल्थी रहेगा। और इसका सबसे बड़ा मेन रोल है कि डिलीवरी टाइम में अगर घोड़ी चलती रहेगी, राइडिंग आप करते रहोगे, इसकी एक्सरसाइज होती रहेगी, तो इसके डिलीवरी टाइम भी इसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लगभग लोगों का मानना यही है कि बस जब घोड़ी प्रेग्नेंट हो तो उसको घर पे रोक देना चाहिए, उस पर राइडिंग नहीं करना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। टिल डेट तक, जिस दिन तक घोड़ी बच्चा देने वाली हो तब तक आप उस पर राइडिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय द वीडियो। जल्दी मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ।